हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारी भाभी बंधु के साथ किया हूँ बहुत ही सुपर डुपर प्रैंक। गाइस क्या है कि अभी 2 दिनों से मैं तुम्हारी भाभी से नाराज़ नाराज़ था, क्योंकि मेरे को प्रैंक करना था उसको रुलाने वाला। आप लोग ने ही कमेंट किया था कि भाई भाभी को रुलाने वाला एक प्रैंक करो, तो उस मैं मतलब कि प्रैंक करने के लिए नाटक कर रहा था 2 दिनों से, और यहाँ पर मैं उसके साथ प्रैंक किया हूँ ताकि उसको बिल्कुल भी शक ना हो। तो आप लोग जाकर के वीडियो को देखो लास्ट तक गाइस, बहुत ही मजा आया है आज का वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा, और गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आप इतना टाइम से यहाँ पर क्यों बैठे हो? न कॉल उठाना है, न बुलाने भेजी तो भी नहीं आ रहे थे घर। क्या हो गया? क्या हो गया? मैं आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो? बुलाने भेजी थी फिर भी घर नहीं आए, इतने उदास क्यों हो? अरे तो ये भी तो घर ही है यार अपना। घर ही है ठीक है, बट बुलाने भेजी थी ना, कॉल भी कर रही थी तो भी रिसीव नहीं कर रहे थे। क्या हो गया? अरे होना क्या है यार, वो तो मैं वहां से देखी आपको कि आप यहाँ हो, और ट्यूबवेल भी चालू करना था इसलिए आ गई। देखो बात ऐसा है यार कि अभी मैं 3-4 दिनों से ना मतलब कि मेरा दिमाग फ्रस्ट्रेट हो गया है, क्या ही बताऊँ। क्यों, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है यार, कुछ तो शेयर करो। अब क्या बताऊँ यार, देखो बात छिपाने से तो कुछ बनेगा नहीं, इससे अच्छा बता ही देता हूँ, अगर समझ जाओगे तो ठीक है। देखो एक बात ऐसा है कि पता है तुमसे जब तुमसे शादी नहीं हुआ था ना, मतलब जब हम लोग रिलेशनशिप में थे, तो उससे पहले मैं किसी और लड़की से प्यार करता था यार। क्या क्या? मैं किसी और लड़की से प्यार करता था, अब मुझे उसकी बहुत याद आ रही है यार, मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। पागल पागल तो नहीं हो गए हो? यार मैं जब तुमसे प्यार करता था ना, तो मतलब कि शादी से पहले तुमसे प्यार करता था और किसी और से भी मैं प्यार करता था, लेकिन मैं उससे मतलब कि सीरियसली वाला प्यार करता था और तुमसे टाइम पास, लेकिन पता नहीं कैसे तुमसे मेरा शादी हो गया यार। क्या पागल पागल हो गए हो क्या? क्या बोल क्या रहे हो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है यार मुझे, मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ यार इस चीज़ को, मेरा मन नहीं लग रहा है उसके बिना। अच्छा तो आप अगर ऐसा ही था तो मुझसे शादी क्यों किए? मेरे साथ प्यार वो सब क्या था, नाटक था, ड्रामा था मेरे साथ? अरे यार मैं मजबूरी में शादी कर लिया यार तुमसे। मजबूरी में ना अरेंज मैरिज होता है, लव मैरिज में इतना ड्रामा फिर क्या था, वो क्या था, वो सब क्या था बताओ। अरे मैं उसके बिना नहीं रह सकता यार, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस पे क्या रिएक्ट करूं। क्या बोल रहे हो, मेरे साथ साथ आपकी एक और गर्लफ्रेंड थी और आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो फिर मेरे साथ क्या था यार, फिर मेरी लाइफ क्यों बर्बाद किए आप? आपको समझ भी आ रहा है क्या बोल रहे हो आप? अरे जो सच है उसको मैं बता रहा हूँ यार, अब मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अच्छा तो आप क्या चाहते, क्या मैं क्या करूँ आपको इस हालत में, मैं देख भी नहीं सकती ठीक है? और मेरा क्या, मेरा जो लाइफ बर्बाद कर दी है आप, अच्छा मैं क्या करूँ ये बता। मुझे उसकी आदत सी हो गई थी यार। और तुम मेरे साथ क्या था यार, फिर वो दिन भर बातें करना वो सब, और वो सब तो ठीक है शादी के बाद भी इतने अच्छे से तो हम लोग रह रहे हैं ना, फिर बीच में वो कहाँ से आ गई? वो तो मैं मजबूरी में तुमसे मैं 1 साल बिता लिया यार मैं, लेकिन अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है उसके बिना। तो जो सच है ना वो मैं बता दे रहा हूँ, मुझे उसके बिना नहीं रहा जाता मुझसे यार, जो भी बातें क्लियर है, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता था उससे। तो अब आप चाहते क्या हो ये बता दो मुझे। अब मैं क्या बताऊँ यार,
मैं तो यही चाहता हूँ कि बोलो क्या चाहते हो। शादी तो हो गई है ना हमारी, एक साल से खुश हैं ना हम लोग, फिर अचानक से वो बीच में आ गई, आपको याद आ रही है। मैं नहीं हूँ यार खुश, मैं तो मजबूरी में तुमको दिखावा करता हूँ कि मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जो घुट रहा हूँ वो मैं ही ना जान रहा हूँ यार। तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हारे सामने हंसते रहता हूँ तो क्या मैं खुश हूँ? बिल्कुल खुश नहीं हूँ मैं, वो तो दिखावा करता हूँ तो मैं। क्या तो कमी है यार मेरे प्यार में, क्या कमी है बताओ। कमी वाली बात नहीं है यार, देखो प्यार एक अट्रैक्शन होता है, और मुझसे ना यार मतलब कि सीरियसली वाला प्यार उससे है यार, तुमसे नहीं। जो बात है सच बता दे रहा हूँ मैं, ताकि कहने को ना रह जाए कि इतना दिन हो गया। वैसे भी तो एक साल हो गया मैं बताया नहीं तुमको, लेकिन आज भी मैं बता दे रहा हूँ। अब आप क्या चाहते हो ये बता दो, एक साल साथ में रहने के बाद आप क्या चाहते हो। मैं ये चाहता हूँ यार कि अगर हो सके ना यार तो तुम मुझसे दूर चले जाओ, और मैं यार मैं उसके साथ हमेशा ज़िंदगी भर रहा हूँ, उसके साथ अपना ज़िंदगी बिताऊँ यार, मैं यही चाहता हूँ। मेरे को नहीं अच्छा लगता यार उसके बिना। अच्छा तो मैं कहाँ जाऊँगी बता दो, कहाँ जाऊँगी मैं, ऐसा था तो मुझसे शादी ही नहीं करते ना आप, यहाँ ला करके सबसे मेरे फैमिली से सबसे दूर करके, अब आप बोल रहे हो कि दूर हो जा मेरे से, मैं कहाँ जाऊँ। अरे वो तो यार अब पता नहीं, तुम्हारे साथ अट्रैक्शन था, अब एक पल के लिए ऐसा हो गया था कि तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा था, लेकिन लॉन्ग रिलेशनशिप मेरा उससे है ना, तो मैं उसके बिना मैं अब नहीं रह पा रहा हूँ यार। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को संभालने की, काश मैं उसको भूल जाऊँ, लेकिन मैं नहीं भूल पा रहा हूँ उसको, तो मैं करूँ तो करूँ। तो मैं अब कहाँ जाऊँ यार बताओ ना, मैं पूरा माइंड ब्लैंक हो चुका है, आप बोल क्या रहे हो, क्या मैं गलत सुन रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है यहाँ पे। अरे हो क्या रहा है यार, एक साल साथ में रहने के बाद अब बोल रहे हो मुझसे दूर हो जाओ, मैं कहाँ जाऊँगी ये बता दो यार। तुम तो एक पढ़ी लिखी लड़की हो यार, कहीं भी अपना मतलब कि जीवन यापन कर सकती हो। अच्छा मुझे सबसे दूर करके इतना सब कुछ जानते हो ना आप, आपको पता है ना कितनी मेहनत से हम दोनों एक हुए हैं, क्या क्या नहीं करना पड़ा है, अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती, आप जान रहे हो, और आज आप पैसा बोल दे रहे हो मुझे कि चले जाओ। तो क्या चाहती है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ घुट घुट के रहूँ? तो क्या चाहती है कि जिंदगी भर मैं तुम्हारे साथ घुट घुट के रहूँ? तो ऐसा था तो यार शादी ही नहीं करना था ना आपको, गुड़े गुड़ियों का खेल लगता है आपको, मजाक लगता है। एक साल तक तो था यार तुम्हारे साथ घुट घुट। शादी का मतलब ये नहीं होता है कि एक साल रहना है, ठीक है, इससे पहले आपको सोच समझ के डिसाइड करना था किस लड़की को मैं जिंदगी भर बात कर रहा हूँ, इसको सबसे दूर कर रहा हूँ। एक साल के लिए शादी करते हैं कोई कि मन भर गया तो फिर दूसरी? अरे तो ऐसा भी नहीं है ना यार, लेकिन मैं अब नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना। तो मेरा सोचो ना, मेरा नहीं सोच रहे आप, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम भी यार, मैं क्या बताऊँ यार, मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ यार कि अगर वो मुझे मिल जाती ना तो मैं जिंदगी भर खुश रहता। हो गया ना यार, यहाँ पर आकर क्यों रो रही हो? देखो यार रोना बंद करो, पहले रोना बंद करो, बोल रहा हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम बता रहा हूँ यार तुमको। और क्या प्रॉब्लम यार, मैं कहाँ जाऊँगी, कुछ सोच रहे हो आप, समझ में आ रहा है? एक साल अब इतने अच्छे से रहने के बाद अब बोल रहे हो मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, कल से आपका बिहेवियर बहुत चेंज लग रहा है मुझे। अच्छा तो मैं क्या करूँ ये बता। कभी नहीं सोचूंगी यार क्या पैसा करोगे मेरे साथ, कभी नहीं। तो नहीं मैं क्या करूँ ये बता दो यार, देखो मैं उसके बिना नहीं जी सकता यार। तो नहीं जी सकता तो फिर शादी क्यों नहीं की है उसके साथ, मेरे साथ क्यों की है? और वो पागल लड़की मर गई थी उस टाइम पे, कि आपको किसी और के साथ शादी करने दे दी? मेरा ना दिमाग बहुत खराब हो रहा है, ठीक है, मैं रोऊं कि गुस्सा करूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि तो कुछ
सामने कुछ रास्ता ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो कैसे कर सकते हुए। अरे एक बात और पता है, लड़की ना आई है यहीं रूम पे है। कहाँ रूम पे? वो अंदर वाले रूम पे है, वो आई हुई है, इसीलिए मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ यार कि मैं उसको घर में कैसे लेके के जाऊँ। मतलब वो है यहीं? हाँ है यहीं, और मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि मैं यार मैं उसको कैसे लेके जाऊँ तुम्हारे होते हुए। वो मतलब सब कुछ छोड़ करके आई है और सुन रही है हमें, कहाँ है वो? अंदर वाले रूम में है, देख ले जा उसको, तुम्हारे बता दें। अंदर वाले रूम में है। उधर वाले रूम में होगा, देख कुछ करना मत उसको, कुछ मत करना उसको, अंदर वाले रूम पे होगी देखना। कहीं नहीं है। देख अंदर वाले रूम पे होगी, कुछ करना मत उसको ना। हाँ प्यार से बात कर लेना उसको, बताती पर है कहाँ वो? वही वो दिख ही नहीं रही, उसको बताती कहाँ है वो, सच्चे सच्चे बताओ। अंदर वाले हंस क्यों रहे हो आप? बगल वाले रूम को चेक कर रही। मैं सब रूम को चेक कर रही। और तुम्हारी यार पता नहीं कहाँ चली गई तुम्हारे डर से। तो आप हंस क्यों रहे हो? बैठ यहाँ पर, बैठो ना यार यहाँ पर, नहीं मिली ना। सच्ची सच्ची बता दो कहाँ है। देखो ना यार बगल वाली रूम तो नहीं है कहीं पे, मिल जाती ना तो उसको मैं जान से मार दूंगी। उस साइड वाली रूम में मतलब कि बैठी थी, देखो जा करके वहां पर। नहीं यार आप ऐसे हंस क्यों रहे हो? मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि प्रैंक कर रहा था। ऐसा कोई प्रैंक कर, कैसा लगा मेरा मजाक? प्लानिंग करना पड़ता है ना। और दिन भर मुझसे बात नहीं की, सैड थे, कल से भी बात नहीं कर रहे। और मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आप यहाँ पे प्रैंक करोगे मेरे साथ। अब तो इसीलिए मैं घर नहीं जा रहा था ना, ताकि तुम मुझे बुलाने आओ। तो नहीं आती तो? नहीं आती तो फिर मैं कुछ ना कुछ तरीका अपनाता। ऐसा कौन करता है? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, चलो घर चलो घर चलो।